हे दोस्तों, अब आ चुके हैं हम लोग जय विलास पैलेस। ये इसका वैसे मेन गेट है यहाँ से, लेकिन पता नहीं यहाँ से एंट्री क्यों बंद कर रखी है। हम लोग पीछे से घूम के आए हैं अभी। तो फिर दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जय विलास पैलेस। ये देखिए, हमारे पीछे जय विलास पैलेस है और मेरा दोस्त मयंक अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये देखिए सामने से, ये कितना बड़ा है। और पहले हम लेते हैं टिकट, उसके बाद जाते हैं अंदर। टिकट काउंटर उधर है, चलिए चलते हैं। ये पूरा जय विलास पैलेस है, ये यहाँ से स्टार्ट है और ये पूरा जय विलास पैलेस है इधर। और ये हमने टिकट भी ले ली है। टिकट जो है कैमरे का 100 रुपये चार्ज अलग है और एक पर्सन का 140 है। और ये जितने भी जो पुराने वो थे, उनके यहाँ पर जो यूज़ किए हुए जो भी सामान है सारे लगे हुए, जैसे आप देख सकते हैं ये, इसमें वो अपना चेहरा निहारती थी। अब इसमें हम अपना चेहरा निहार रहे हैं। और ये देखिए उनका बैग है, ये उनका चश्मा और ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए साड़ी भी है साथ में, ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए पुराने राजा महाराजाओं के, देखिए ये यहाँ पे वस्त्र हैं। काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए मेन है, ये उनका राजगद्दी है, सिंहासन जहाँ पे बैठते थे। ये देखिए दोस्तों, ये उनकी साड़ियाँ हैं। ये देखिए गहनी हुई है सेम उसी तरह की। और ये देखिए ये राजगद्दी है, सिंहासन बैठने के, तकिए वगैरह के साथ हैं, एकदम अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। और देखिए ये भी है, इसकी फोटोज है। ये देखिए दोस्तों, ये बग्घी है, ये घोड़ों के साथ में चांदी की शायद, हाँ इस पर ये दोस्तों शायद मेरे ख्याल से चांदी का ऊपर से है पूरा ये शायद से। ये दोस्तों पालकियाँ हैं इनमें, तो ये देखिए ये पालकियाँ हैं, दिखाता हूँ अंदर से पालकियाँ कैसी होती हैं। देखो एक सीट ये पीछे है, एक सीट आगे, तो ऐसे जाती थी। ये रजत रथ है, देखिए बिल्कुल अंधेरे में एकदम चमक रहा है क्योंकि ये चांदी का है बिल्कुल। दोस्तों ये है देखिए दूरबीन, और ये पीछे है, और ये तो आप समझ गए होंगे क्या है ये। दोस्तों महाराजा माधव राव के यहाँ पे ये दिए हुए हैं, उन्होंने जो भी पेन यूज़ किए थे और घड़ी। ये जो महाराजा माधव को जो क्रिकेट है वो खेलते थे, उनकी बॉल्स वगैरह बैट। दोस्तों ये है आर्म्स एंड आर्मर, हथियार एक कवच। देखिए और ये देखिए सारे इनके जो भी शस्त्र हैं, ये देखिए सारे तलवार, ये सबसे ऊपर इसका पॉइंट होता है, फिर एज। काफी सारे अलग अलग टाइप्स की तलवारें हैं। और ये देखिए पूरा शिप है, ये रिवॉल्वर टाइप में है, ये पता नहीं ये कितनी लंबी है। ये देखिए कितनी छोटी छोटी हैं। देखिए ये उनके हथियार हैं, ये 800 की बंदूकें आ गई, काफ़ी सारी बंदूकें हैं। पता नहीं क्या करते थे। कृष्ण कन्हैया का मंदिर है, ये देखिए कितना पूजा रूम। ये देखिए
यहाँ पे शाही दावत के लिए यहाँ पे देखिए कितना वाइन टेबल की तरह यहाँ पे खाना खाते हैं। देखिए ये कितना लंबा है, देखिए कितना आलीशान है। देखिए इसके अलावा देखिए एक और है, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है। देखिए इसके अलावा देखिए एक और है, देखिए यहाँ देखिए जो है ये खाने की ट्रेन चलती है, मतलब इसमें जो भी आपका सामान है खाने पीने का वो छोटी सी ट्रेन होगी उसके ऊपर रखा रहेगा और वो घूमता रहेगा, आपको जो चीज़ चाहिए वो आप ले सकते हैं। देखिए इस पर ये जो पटरी है ये वाली जो ब्लैक है ये पटरी बिछी हुई है पूरे वहाँ तक। और दोस्तों ये देखिए ये ट्रेन है जो वहाँ घूमती है, देखिए ये देखिए ये ट्रेन है, देखिए आगे इंजन है। दोस्तों ये देखिए ये ट्रेन चल रही है, इंजन बैटरी से कुछ चलती होगी, बैटरी एटरी से हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, खिलौने जैसा सिस्टम चालू करो चल जाए सब। और सारा सामान लेके जा रही है खाने पीने का सब कुछ है। अमेजिंग दोस्तों, यूनिक है काफ़ी। सर इसके बाद जो ये खुद पर्सनली बुलाते थे, राजनीतिक काम से नहीं पर्सनल बुलाते। दोस्तों देखिए ये है पूरा राज दरबार टाइप का बैठने वाला। देखिए यहाँ पे गद्दियाँ लगी हुई हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और ये देखिए सामने गद्दी लगी हुई है राजा की और ये है लिखा है इंडियन दरबार। यहाँ लगता था दरबार जो है। तो हे दोस्तों ये है पुराने ज़माने की BMW, देखिए लिखा हुआ है BMW लोगो लगा हुआ है। ये 300 cc की है मेरे ख्याल से, सिर्फ इसमें दो की जगह है, सिर्फ आगे पीछे तो बिल्कुल बंद है, वो पता नहीं क्या है। तो रथ है तो हे दोस्तों अब जो जयविलास पैलेस है उसमें हम आ चुके हैं लास्ट वाले म्यूजियम में। इसमें सिर्फ बाघों का म्यूजियम है, इसमें ये 5 टाइगर हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 5 बाघ हैं जो यहाँ के जो राजा महाराजा थे उन्होंने इनका शिकार किया था, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर जो ओरिजिनल वो थी उनकी खाल वो लगवा दिया। तो हेलो दोस्तों अब हम वहाँ से निकल चुके हैं जयविलास पैलेस से। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.